और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। मामले विवाद के चलते युवक को गोली मारी गई है। मुजफ्फरनगर के सिखेड़े थाना क्षेत्र का ये मामला है। खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में रेफर। मामले विवाद में मारी गई गोली और खबर पर बात करेंगे। मोनू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर संवाददाता। मोनू, इस वक्त की जो खबर आ रही है वो ये है कि एक युवक को गोली मारी गई है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। किन लोगों ने और क्यों गोली मारी, क्या है पूरा मामला? जी मास्टर, बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला, बटोड़ा गाँव का। वहाँ मामूली विवाद को लेकर, पहले से इन्हें पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। उसी के बीच आज एक युवक खेत में जा रहा था जिसके गोली मार दी। गोली लगे हुए युवक का नाम आसू है। वो इसने बताया कि उसी के गांव के रहने वाले नरसिम्हा, उसने इसके गोली मारी है। तो इनका काफी टाइम से मामूली बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी संबंध में फिर वहां मौके पे पुलिस ही पहुंची। पुलिस ने गोली लगे युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। और जो जो आरोपी है जिन्होंने गोली मारी है, मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी बिल्कुल मौनू, पुलिस जांच कर रही है। और युवक की हालत देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल है उसकी हालत को लेकर, और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? युवक की हालत अभी थोड़ी गंभीर बनी हुई है क्योंकि लड़के के पैर में गोली लगी और उसके जिला अस्पताल अभी भर्ती कराया गया। अभी कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ से रेफर मेरठ के लिए भी किया जा सके। चलिए, तमाम मदद के लिए आपका शुक्रिया मोनू। तो मुजफ्फरनगर से यह खबर है जहां पर मामूली विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी गई है और फायर करने वाले आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई, युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश की बात कहती नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए ज़्यादा ताज़ा